हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिचार्ज मैनर। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हो कि अभी अप्रैल और मई के टाइम में कितना ज्यादा कोरोना फैला हुआ था और कितने सारे लोगों को इस बार कोरोना हो गया था। कोरोना से जंग जीतने के बाद भी अभी एक ऐसी जंग है जो बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं, वो है बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हेयर फॉल की। तो मुझे भी अप्रैल में कोरोना हो गया था और मई के फर्स्ट वीक तक हम लोग ठीक हो गए थे, घर में लगभग सभी को हो गया था। और उसके बाद एक दो मंथ ठीक से निकल गए, वीकनेस थी जो भी था वो रिकवर होता गया। तो हम लोग एक से दो महीने के बाद थोड़ा सा अपने आप को बेटर फील करने लगे थे, लेकिन जो हेयर फॉल मेरा स्टार्ट हुआ वो इतना एक्सट्रीम था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। जैसे हर साल होता है कि मॉनसून के टाइम में मेरे बाल कई बार झड़ने लगते थे और बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे तब भी झड़ते थे, लेकिन ऐसा नहीं फील होता था कि अब ये अगर इसी तरीके से झड़ते रहे तो ये खत्म हो जाएंगे। एक महीने या 15 दिन करीब इस तरीके से वो झड़ते थे और उसके बाद से झड़ना अपने आप से रुक जाते थे। थोड़ा बहुत गर्म तेल वगैरह लगा लो, थोड़ी सी केयर कर लो होम रेमेडीज से ही, तो वो ठीक हो जाते थे आराम से। बट इस बार क्या हुआ कि आप देखोगे कि मैंने कुछ क्लिपिंग्स पहले की अपने लेकर रखी हुई हैं कि किस तरीके से मेरे बाल झड़ रहे थे। गुच्छे गुच्छे में जब मैं ऑयलिंग करूं अपने बालों में तब भी गुच्छे गुच्छे में ये गुच्छे 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 आते थे हाथों में बाल, और उसके बाद जब मैं शैम्पू करने जाऊं तो भी इसी तरीके के गुच्छे निकलते थे। मतलब ये बॉल आप समझ लो इतनी बड़ी बालों की तो निकल ही रही थी। तो एक बार में अगर इतने तेल लगाने में और इतने शैम्पू में निकल गए तो आप सोचो कि हर हफ्ते दो बार ऑयलिंग और शैम्पू के टाइम में कितने बाल झड़ रहे होंगे। एक से डेढ़ महीने के अंदर ही मुझे ऐसा लगा कि अगर अभी भी मैंने कुछ नहीं किया, कुछ एक्स्ट्रा स्टेप नहीं उठाया, तो बाल इस हद तक झड़ जाएंगे कि फिर शायद मैं उनका कुछ नहीं कर पाऊं। तो मैंने सोचा क्या किया जाए, तो आज मैं आप सबके साथ इसी टॉपिक पर बात करने जा रही हूं और आपको उसका जो परफेक्ट सॉल्यूशन है जिससे आपको फायदा होगा और जरूर होगा क्योंकि मुझे भी हुआ है, तो वो सॉल्यूशन मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूं, तो आप वो स्टेप्स कर सकते हो। बट फिर भी जो भी स्टेप्स मैं आपको बताने जा रही हूं एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा, उसके बाद ही कीजिएगा। ज्यादातर चीजें मैंने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही ली हैं, और फिर भी आप एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। तो पहले तो मैंने सोचा कि चलो घर में ही कुछ होम रेमेडीज ट्राई कर लेते हैं। जैसे लोग बताते हैं ना, ऑयल में अगर आप प्याज का रस वगैरह मिलाकर लगाते हो तो उससे हेयर फॉल बंद हो जाता है, तो वो भी मैंने किया। कम से कम 15 से 20 दिन मैंने उसको भी ट्राई किया, लगता था एक बार लगाने के बाद कि कुछ आराम मिल गया है, बट उतना ज्यादा मुझे इफेक्ट दिखाई नहीं दे रहा था, उसी स्पीड में बाल गिर रहे थे। तो मैंने ये सोचा कि डॉक्टर को दिखाना चाहिए मुझे। तो सबसे पहले बात ये आती है कि हमें डॉक्टर को दिखाना है तो हमें कौन से डॉक्टर को दिखाना है जिससे कि हमें तुरंत जो है ऐसी दवा मिल सके जो हमारा हेयर फॉल कंट्रोल कर सके। तो मेरे मन में सबसे पहले ये था कि मैं होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाऊं। हस्बैंड ने सोचा कि एलोपैथिक में दिखा लेते हैं, बट हम लोगों ने यही सोचा कि डॉक्टर अगर आप एलोपैथिक में जाते हो तो वो यही बोलते हैं कि आपके अंदर वीकनेस आ गई होगी और आपके अंदर जो है मिनरल्स विटामिन्स की कमी हो रही है, इस वजह से आपके बाल झड़ रहे हैं, तो वो विटामिन्स और मिनरल्स की गोलियां ही देंगे। जहां तक मुझे ऐसा लग रहा, वो क्या देते वो मुझे आइडिया नहीं है, शायद वो कुछ और उसका इलाज कर पाते, बट मैंने जो सोचा मैंने जो किया वो मैं आपको बता रही हूं। तो इसके रिगार्डिंग मैंने अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से भी बात करी थी जिनसे मेरी शुगर की दवाएं चल रही हैं, तो उन्होंने भी मुझे दवा दी थी और आप देख सकते हो कि ये विटामिन D2K है। तो ये उन्होंने दो गोलियां, आयुर्वेदिक मेडिसिन है ये दो गोलियां सुबह शाम मुझे खाने के लिए दी थी। विटामिन डी की कमी से भी कई बार जो है आपके बाल गिरने लग जाते हैं या स्किन की प्रॉब्लम वगैरह हो जाती है, तो ये उन्होंने दी, बट इससे भी कुछ फायदा नहीं हो रहा था। तो लास्ट में मैंने ये सोचा कि हमें होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो जब मैंने उनसे कंसल्ट किया तो उन्होंने बोला कि हाँ, आपको ही नहीं कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको कोरोना हो चुका था और उसके बाद उनको हेयर फॉल की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, वो कई सारे लोग आ चुके हैं और उन सबका इलाज हो चुका है। तो उन्होंने मुझे दवाएं दी और मैं आपको दिखाती हूं, ये सारी आप देख सकते हो कि पहली बार उन्होंने जो दी वो 1 वीक की दी थी। ये जो है टैबलेट्स खत्म हो चुकी हैं इसकी गोलियां, और ये लिक्विड दिया था पीने के लिए, और उसके बाद और सेकंड टाइम फिर उन्होंने ये वाली दवाएं दी थी, थोड़ा सा चेंज करके दी थी, और ये हो गई फिनिश। और इसके बाद जो है करीब 1 वीक और 15 दिन और दवा लेने के बाद, यानी करीब 20 डेज के बाद, अगर मैं बालों में से हाथ डालती थी तो बाल नहीं निकलते थे। मुझे इतना ज्यादा रिलीफ मिला कि मैं क्या बताऊं। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं डॉक्टर के पास गई मैं बहुत खुश थी, मैंने बोला उनको कि इस बार तो हेयर फॉल बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। हेयर वॉश के टाइम में भी मुश्किल से 8-10 बाल निकल रहे हैं, या ऑयलिंग करते समय भी ऐसे हल्के फुल्के ही निकल जाते हैं, जो नॉर्मल है उतने तो निकलेंगे ही निकलेंगे।
तो उसके बाद उन्होंने फिर मुझे जो है जो दवा दी थी वो हेयर फॉल रोकने की थी। इसके बाद जो मुझे दवा दी है ये उन्होंने दी है रीग्रोथ के लिए, कि अगर आपके बाल झड़ने बंद हो गए हैं तो अब रीग्रोथ के लिए भी आपको दवा चाहिए। तो ये दवाएं कौन सी ये मैं नहीं बता सकती आपको, क्योंकि ये उन्होंने बनाकर दी हुई थी, ये गोलियों में दवाएं डाल के दी थी, ये अलग से लिक्विड दिया है, तो मैं ये आपको नहीं बता पाऊंगी कि ये दवा कौन सी है। लेकिन मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपका जो है हेयर फॉल 15 से 20 दिनों में रुक सकता है, और अगर सही दवा मिल जाए तो आपको जरूर फायदा होगा। तो आप भी किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए और जो आपकी जो है प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सके और आपको सही मेडिसिन दे सके। तो इससे मुझे काफी ज्यादा फायदा हुआ है, अभी तक जब तक ये दवा चल रही है मुझे अभी कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ऐसा विश्वास है कि बंद हो जाने के बाद भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। इसके साथ ही एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये तो हो गई इंटरनल मेडिसिन जो हम खाकर अंदर से जो है बालों को मजबूत कर रहे हैं, अंदर से जो भी इम्यून सिस्टम मजबूत कर रही होगी, कैसे कर रही होगी मुझे नहीं आइडिया है, लेकिन ये अंदर से आपको दे रही है ताकत। बट इसके साथ ही हमें अगर ऊपर से कोई ऐसा पैक वगैरह लगाने को मिले जो बालों को ऊपर से मजबूती दे, यानी कि आपके बालों को झड़ने से रोके, उनको सॉफ्ट बनाए, शाइनी बनाए, रूसी कम करे और अच्छे से नरिशमेंट दे, तो उसके लिए भी मैंने कुछ उपाय ढूंढा है। जैसे कि आप जानते हो कि नानी और दादी के टाइम में कि वो लोग रीठा, आंवला, शिकाकाई ये सारी चीजें यूज करा करते थे अपने बालों के लिए, और उनके बाल कितने मजबूत होते थे, काफी बड़ी उम्र तक जाके भी उनके बाल सफेद नहीं होते थे। आजकल के तो बच्चों के भी बाल सफेद होने लगे हैं, तो मैंने इसका भी एक जो है उपाय ढूंढा। तो इसके लिए मैंने रीठा, आंवला, शिकाकाई और भृंगराज एंड हिबिस्कस पाउडर जो है ये ऑर्डर किए हैं अमेजोन से। ये स्टैमियो ब्रांड के हैं और आप देख सकते हो कि यहाँ पे रीठा, आंवला और ये शिकाकाई है एंड हिबिस्कस और भृंगराज, ये दो चीजें और हैं जो आपके बालों की रीग्रोथ के लिए, हेयर फॉल को रोकने के लिए, उनको शाइनी बनाने के लिए, सॉफ्ट बनाने के लिए, और अगर आपके बालों में रूसी है उसको कंट्रोल करने के लिए, एंड बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स जो आपको बालों से रिलेटेड कुछ भी हो उसमें ये सब चीजें बहुत ज्यादा फायदा करती हैं। तो ये स्टैमियो ब्रांड है जो है, ये मेंशन करते हैं अपने जो है बॉक्स के ऊपर कि ये कोई भी केमिकल्स ऐड नहीं करते हैं एंड ये नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, जो भी ये बना रहे हैं ये सारे के सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। तो ये मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, तो कि ऐसे टाइम में जब आपके हेयर फॉल हो रहा है तो आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स यूज कीजिए जिसमें कोई भी ऊपर से केमिकल वगैरह यूज ना किया गया हो। तो ये सोचकर मैंने इनको ऑर्डर किया और बहुत ही अफोर्डेबल भी हैं ये। आपको भृंगराज एंड हिबिस्कस जो है सिर्फ ये दोनों 107 यानी 107 रुपए के मिलेंगे, बाकी आपके ये रीठा, आंवला, शिकाकाई जो भी हैं ये सब आपको 97 रुपीज के ये जो है टब मिल जाते हैं, और ये जो इसका नेट वेट है वो 50 ग्राम्स का है। ये सारे आपको 50 ग्राम्स के मिल जाएंगे, फिर भी काफी ज्यादा अमाउंट इसमें दिखाई दे रहा है। तो अगर आप इनके 1 टीस्पून लेकर और सादे पानी में जो है इनको घोल लीजिए, और उसके बाद अगर आप इनको अपने बालों में पैक बनाकर लगाते हो तो ये आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छा पैक होगा, बहुत ही ज्यादा आपके बालों को ये फायदा पहुंचाएगा। ये सफेद हो रहे हैं बाल टाइम से पहले, या फिर रूसी बहुत होती है आपके बालों में, बाल ड्राई हो रहे हैं, या फिर बाल झड़ रहे हैं, बाल पतले हैं, तो उन सब चीजों के लिए ये जो है सारे ही जो प्रोडक्ट्स हैं, रीठा, आंवला, शिकाकाई, हिबिस्कस एंड आपका भृंगराज, ये सब बहुत ही अच्छे नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, आयुर्वेदिक हैं, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको जरूर फायदा करेंगे। आई होप आप सबको मेरा ये वीडियो कुछ हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको भी इस तरह का हेयर फॉल हो रहा है तो आप जल्दी से जाइए किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखा सकते हैं एंड बेस्ट ट्रीटमेंट ले सकते हैं। साथ ही आप इनका पैक लगाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ये भी बहुत ज्यादा फायदा करेगा आपके बालों को। के साथ ही मैंने कुछ मल्टी विटामिन्स की गोलियां भी ली हैं, तो ये आप देख सकते हो ये फिनिश हो चुकी हैं, करीब 15-15 गोलियां थी, तो ये मैं करीब एक महीने से इसको भी खा रही हूं और डेली मैं एक गोली ही लेती हूं, ज्यादा नहीं लेती हूं, कि कोई किसी भी चीज की जो है अधिकता आपके बॉडी में हो जाती है तो वो भी अच्छा नहीं होता है, तो मैं एक एक गोली ले रही हूं। तो एक महीना ये हो गया, एक पत्ता मैंने और ले रखा है जो मैंने अभी स्टार्ट किया है कुछ टाइम पहले, उसको जो है बस फिनिश करूंगी, उसके बाद मैं इसको भी बंद कर दूंगी। विटामिन डी की मेरी बंद हो चुकी हैं और मल्टीविटामिन भी ये फिनिश हो जाएगी। मेरी होम्योपैथिक डॉक्टर कितने दिन ये चलाएंगी वो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन जैसा भी होगा मैं इस जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन करके उसको मेंशन कर दूंगी कि कितने दिन मेरी ये दवाएं चली हैं, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो। तो फिर मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।